सो ये वेलकम बैक टू माई न्यू मोटो व्लॉग। और आज के वीडियो में देख सकते हो आज का जो वीडियो है मोटो व्लॉग है, बहुत टाइम बाद आया है तो यार उसके लिए सो सॉरी। तो अभी जो है हम लोग चल रहे हैं फन मॉल लखनऊ के, तो पूरा जो है मोटो व्लॉग आप लोग को दिखाएंगे और पूरा रास्ते पर कवर करेंगे। और यार क्वालिटी जरूर बता रहा आप लोग की कैसी क्वालिटी आ रही है मोटो व्लॉग की। कैमरा सेटअप हम लोगों ने चेंज किया है तो ऑडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी शायद अच्छी आ रही होगी, और कुछ रीज़न थे गाइस इसलिए जो है मोटो व्लॉग रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं आजकल। 1K सब्सक्राइबर्स के बाद हमारे मोटो व्लॉग रेगुलर आएंगे, ये प्रॉमिस है। तो अभी आज जो है धूप बहुत ज़्यादा है और मौसम भी अच्छा है, मतलब ठीक है, हवा भी चल रही है आज और धूप भी है तो ठीक, मतलब ठीक ठाक है। ज़्यादा गर्मी भी नहीं है ज़्यादा, देख सकते हो ये पूरा लेक वगैरह का व्यू। और कैमरा का स्टेबलाइजेशन बता देना कमेंट करके कैसा लग रहा है। ये रोड आज बहुत ज़्यादा खाली है, ऐसे भरी रहती है लेकिन आज जो है बहुत ही ज़्यादा खाली रोड है, धूप की वजह से होगा, गर्मी की वजह से होगा, जितना लोग बाहर नहीं निकलते हैं। और अभी तो हम लोग जाएंगे पूरा फन और अभी आप लोगों को पूरे रास्ते पर जो है दिखाएंगे। अभी हम लोग आ चुके हैं चिनट साइड, ये एरिया में बहुत जाम लगता है आज, जाम ना हो। बाकी कमेंट करके यार ज़रूर बताना कि क्वालिटी वगैरह कैसी आ रही है। अभी बीच में मोटर वगैरह बंद इसलिए हुए थे क्योंकि कैमरा सेटअप वगैरह चोरी हो गया था और कुछ चीज़ें गिर भी गई थी, तो जैसे पीछे गए वैसे वो चोरी हो गए, जैसे उठाने गए कोई बाइक से ले के चला गया उसको, तो यही पूरा इसीलिए हमारे मोटर ब्लॉग्स बीच में बंद हो गए थे एकदम आना। और अब जो है रेगुलर बेसिस पे आने वाले हैं, धीरे धीरे करके आएंगे, अभी मतलब तुरंत नहीं आना शुरू होंगे। और यार प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है यार मोटो व्लॉग शूट करने में, मतलब हर चीज़ देखनी पड़ती है, ऑडियो वगैरह कैमरा वगैरह सही से फिक्स है नहीं, बार बार देखना पड़ता है। तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अभी जो है हम गली गली थोड़ा जाएंगे क्योंकि मेन रोड में जाम मिल सकता है इस टाइम, क्योंकि वहाँ चिनट में जाम भी लगा रहता है। और यहाँ अभी यहाँ से तो लगभग हमारा जो है फन मॉल 5 से 6 किलोमीटर है, तो अभी तो थोड़ा दूरी है। और अभी बीच में जो पुल वगैरह आएंगे वो सब आप देखना कितना ज़्यादा अमेजिंग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब लखनऊ की सबसे अच्छी जगह है, मतलब वहाँ पे ये है आगे। बीच ही में रोक लेते हैं एकदम। और यार थैंक्स कि हमारे 800 सब्सक्राइबर जो है कम्प्लीट हो चुके हैं, जल्दी जल्दी बन के करा दो ताकि जो है रेगुलर मोटो व्लॉग्स आप लोग को भी मिल सके। इस प्लेसेस कमेंट कर दिया करो कौन सी प्लेसेस पे मोटो व्लॉग शूट करें, क्योंकि जो प्लेसेस होती हैं सबसे ज़्यादा मेन है। और एंगल वगैरह जरूर बताना कि एकदम एंगल सही है कि नहीं कैमरा का, और जिसको जिसको मोटो व्लॉगिंग जो है शूट करना है वो मुझे कमेंट ज़रूर कर दे, जिसको उसको मोटो व्लॉगिंग बनाना है तो मैं उसको पूरा गाइड कर दूंगा कि आप लोग कैसे मोटो व्लॉगिंग कर सकते हो इजीली, फ़ोन से भी कर लोगे आराम से, कोई ऐसा नहीं है कि गोप्रो ही होना चाहिए या फिर एक्शन कैमरा हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग के पास एक नॉर्मल सा फ़ोन होना चाहिए बस, और सेटअप आप लोग का आ जाएगा 500 के अंदर। और यहाँ तो हम आ चुके हैं, अब यहाँ पर जाम का थोड़ा डर है, ये देखो मिल गया, छोटा मोटा है ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए ठीक है, यहाँ से तो निकल जाएंगे। ये देखो यहीं पे जाम मिलता है, बस मैंने कहा था जैसे कि जाम यहाँ लगा रहता है। अब यहाँ पे इतनी धूप है तो निकल जाएंगे, ये देखो सामने खड़े हैं एकदम, चलो निकल। अरे आप ये सब ऑटो वाले जो बीच में घूम जाते हैं, निकल गए चलो फिलहाल। और अभी जो है यहाँ पे आ चुके हम लोग हाईकोर्ट, देख सकते हो आप लोग कितना सारा सुंदर है। और यहाँ पे एरिया जो है बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, क्योंकि हाईकोर्ट का एरिया ऑब्वियसली क्लीन ही होगा। और अभी आगे इसके बगल में हम लोग को लेफ्ट वाली गली में मुड़ना है, जैसा कि जाम से निकल चुके हैं, जाम ज़्यादा बड़ा नहीं था, अच्छा वो निकल गए, एक बार फंस जाते हैं तो निकलना मुश्किल हो जाता है यहाँ चिन्ह के जाम से। और अब जो है जाम नहीं मिलने वाला है क्योंकि अब जो है सही एरिया आ रहे हैं, यहाँ पर जो है कोई हॉटस्पॉट वगैरह नहीं है, कोई भी रश वगैरह नहीं रहता है क्योंकि ये मेन एरिया है, तो यहाँ पे जो है पुलिस वगैरह रहती है।
बहुत ही अच्छी रोड है यहाँ पे, देख सकते हो कितनी स्मूथ है, आप लोग इसमें स्पीड में अच्छे से ले सकते हो। और यहाँ रेड लाइट ना हो, बस लाइट जो है रेड हो गई अपने ही टाइम पे होती है, हमेशा लाइट रेड, हमेशा के मोटर ब्लॉक में देख सकते हो आप लोग, हमेशा लाइट रेड रहती है। तो अभी जो है ग्रीन लाइट जो है हो चुकी है हमारी, और यहीं से हम निकलना है, बस हम लोग को राइट चलना है। और ग्रीन से रेड होने में टाइम नहीं लगता है यहाँ पे, पहली बात तो ये 10 सेकंड के लिए खुलेगी, पता नहीं कुछ सेकंड वगैरह का कुछ है ही नहीं, खुलेगी बंद होगी। ये देखो वेट हो गया तुरंत, मतलब कि टाइम बिल्कुल नहीं लगता है ग्रीन से रेड होने में। ये देख सकते हो कैसे चला रहा है, वाला वाला वाला। और यहीं से हम लोग को सीधे चलना है, बाकी जो है सामने पुल आएगा उसमें चढ़ना है, अब ज़्यादा दूर नहीं है फिलहाल हम लोग। बाकी आप लोग देख सकते हो यार कितनी मतलब रोड वगैरह बहुत ही डेवलप हो चुकी है, यहाँ की एरिया वगैरह बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है। और यार बार बार कह रहा हूँ, क्वालिटी कमेंट कर देना कैसी लग रही है, ताकि अगर कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी खराबी हो, तो हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि कैमरा जो है शिफ्ट किया है हम लोगों ने, आपको जैसा कि बताया गिर गया था वो रोड में, और वो चोरी हो गया था, मतलब गिरते ही लोग लेके चले गए, जैसे पीछे पलटे 10 सेकंड की टाइम में लेके चले गए। तो अभी जो है सीधा चलना है, कहीं और कहीं नहीं मुड़ना, फिर आएगा पुल उसमें चढ़ना है, वो पुल बहुत शानदार है, जैसा कि मैं आप लोग बार बार कह रहा हूँ, वो आप लोग देखना, आप लोग भी कहोगे बहुत अच्छा पुल है वो। और कोई भी लखनऊ की प्लेसेस अगर आप लोग अच्छी अच्छी पता हो तो कमेंट करके बताना है, तो उसमें हम लोग जो है मोटो ब्लॉग ज़रूर करेंगे। आप लोग बस कमेंट कर दिया करो, क्योंकि ऐसे जो है मुझे थोड़ा सा वो रहता है कि किस कहाँ जाके बनाएं, कन्फ्यूजन बहुत रहती है, मतलब तो एक ही जगह रह जाती है जाने के लिए, फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे कि एक ही जगह जाता है बार बार, इसलिए कमेंट ऑन करो कहाँ कहाँ जाना है। लखनऊ से थोड़ा दूर भी होगा तो चल चलेंगे, क्या दिक्कत है यानी। पुल में आ चुके हैं हम लोग, और बस यहीं से हम लोग को सीधे चलना है, 3-4 किलोमीटर है, 4-5 किलोमीटर फिर जो है आ जाएगा हमारा फन मॉल। मैं देख सकते हो कि ये पुल जो मैं आप लोगों को बता रहा था पूरा कवर है, बहुत ही ऑसम, बहुत ही अच्छा पुल है, बहुत ही साफ पुल है। तो ये सब एरियाज ही है यार लखनऊ के जो बहुत ही ज़्यादा मेन है, जो बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरे हैं, मतलब कि बहुत ही अच्छे हैं। थोड़ा स्पीड करते हैं, ये देखो स्कूटी वाले भी इतना तेज चलते हैं स्कूल में, तो थोड़ा स्पीड हम लोग को पकड़नी पड़ेगी, देखते हैं एक बार कवर करके थोड़ा स्पीड में लेते हैं, देखते हैं कि कितनी स्पीड जाती है। रोड बेसिकली खाली नहीं है इसलिए स्पीड नहीं ले पा रहे हैं, आई होप ऑडियो क्वालिटी भी आपको क्लियर आ रही होगी, बाकी तो एडिटिंग के वक्त पता चल जाएगा हम लोग को क्वालिटी कैसी थी। देख सकते हो यार क्या मौसम है, क्या व्यू है, देखो जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर भी कम्प्लीट करा दीजिए, ताकि हम लोग भी मोटर ब्लॉगिंग रेगुलर शुरू कर सकें। बार बार मैं कह रहा हूँ, थोड़ा मोटिवेशन भी आता है यार वीडियो बनाने में, फिर अगर हम लोग एक बार सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं, जो ईवी वाले इतने तेज चल रहे हैं। और बाकी सब तो देख ही सकते हो आप लोग, क्या शानदार जगह है, ये 70 से ऊपर नहीं जाएगी यहाँ पर, क्योंकि अभी थोड़ी भीड़ है, सुबह खाली रहता है या फिर शाम को भी खाली रहता है, सुबह और शाम को जो है वो वीडियो यहाँ पे शूट करना सबसे बेस्ट रह सकता है। बाकी दोपहर में तो इसे निकलते हैं, ताकि जो है क्वालिटी अच्छी है लाइटिंग वगैरह की, वरना शाम को तो लाइट्स वगैरह कम रहती है, तो इसलिए वीडियो नहीं शूट हो पाता है। बाकी जो हमारा फन मॉल आ चुका है, चलो यही जगह तो ग्रीन लाइट है, अभी 32 सेकंड में बंद हो जाएगी। और ये जो सामने रोड है, यहाँ पे आप लोग देखो कितनी चौड़ी रोड है, और यहाँ पे जो स्पीड है बहुत आराम से ले सकते हैं हम लोग। बस यही मतलब यही सब मेन चीज़ें हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ, चाहे मैं जाता हूँ लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ में जो रहता है वो जान सकता है कि ये सब रोड्स कितनी अच्छी होती है, ये सब रोड्स की क्या वैल्यू है। और यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करना अगर अच्छा लगा हो,
अभी जिसको जिसको मेंबरशिप ज्वाइन करनी चैनल की ज्वाइन कर ले, उसके लिए अलग से वीडियोस आएंगे। और इस पेज भी लेते हैं, बताता कि जिसको जिसको मेंबरशिप ज्वाइन करनी चैनल की ज्वाइन कर ले, तो उससे फायदा आप लोग को ये होने वाला है, बेसिक पैक ज्वाइन करोगे तो आप लोग के जो वीडियोस वगैरह हैं, जो आप लोग मतलब स्पेसिफिक वीडियो मांगोगे वो वीडियो आप लोग को मिल जाएगी, और आप लोग की जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको अलग से सॉल्व करके उसका वीडियो देगा। तो आज इतना ही था गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करो, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।